आम आदमी पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू के दोषों को बेबुनियाद और झूठा करार देंदे कहा है कि अमृतसर के लोगों ने सिद्धू को नकारन और अपने किए अपराधों लिए जेल जाने के बावजूद भी सिद्धू ने कोई सबक नहीं सीखा। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा और आम आदमी पार्टी पंजाब के जनरल सकत्र हरचंद सिंह बरसठ नाल जलंधर में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिआं नवजोत सिंह सिद्धू को याद करवाया कि उसने किस तरह भ्रिष्ट कांग्रेस सरकार का हिस्सा होंदिआं कदे भी पंजाब दे हक्कां लई अपनी आवाज़ नहीं उठाई। आम आदमी पार्टी के आगू ने कहा कि पंजाब 2017 तो 2022 तक कांग्रेस की सरकार रही पर कांग्रेस ने लोगों नाल किए वादे पूरे नहीं किए जबकि आम आदमी पार्टी ने लोगों नाल किए वादे पूरे किए ने। पंजाब दे अंदर 2017 तो लैके 2022 तक 2017 तो लैके 2022 तक पंजाब दे अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। पंजाब दे अंदर लगभग 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी वालों और 4-5 महीने चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब दे मुख्यमंत्री रहे। 2017 दी इलेक्शन दे पिछे जाना चाहुंदा गा कि वड्डे वड्डे वादे पंजाब दे लोकां दे नाल वड्डे वादे कांग्रेस पार्टी ने किए सीगे की कहा सीगा कि घर घर रुजगार देवांगे। मैं 2-3 वादे दी गल करूंगा। कांग्रेस पार्टी का वादा सीगा 2017 च कि घर घर रुजगार देवांगे, किसान दे मुकम्मल कर्जा माफ़ी होगी, पंजाब दे अंदर जिहड़ा माफिया राज श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने स्थापित किया गा उहदा खात्मा करांगे, जिन्हां लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की आ होरना धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की आ 2015-16 के अंदर उन्होंने सारे दोषियों फड़ के जेलों च डकांगे, पंजाब चो करप्शन का खात्मा होगा, पंजाब नूं विकास दीआं लीहां ते लैके जावांगे। ये वड्डे वादे कांग्रेस पार्टी ने 2017 की इलैक्शन तो पहला पंजाब के लोगों नाल कीते। पंजाब के बच्चे बच्चे नूं पता गा कि 4.5 साल बाद कांग्रेस पार्टी नूं अपने फेल होए मुख्यमंत्री नूं अपने नॉन परफॉर्मिंग अपनी सरकार के मुख्यमंत्री नूं बदलना पिया। क्यों बदलना पिया कि 4.5 सालों विच ना कांग्रेस पार्टी ने घर घर रुजगार दिता, ना किसान की मुकम्मल कर्जा माफ़ी हुई, ना पंजाब के अंदर करप्शन का खात्मा होया, ना जिन्हां लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सीगी ना वो जेलों च गए, बल्कि पंजाब के अंदर करप्शन का रेट बढ़ गया, करप्शन बढ़ गई। कांग्रेस के राज के समय पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के राज समय टारगेटिंग किलिंग होंदी सीगी, पंजाब के अंदर टारगेटिंग किलिंग होंदी सी, पंजाब के अंदर चुन चुन के एक बरादरी के लोगों को मारा जाता सीगा। एक कैप्टन साहब की मैं गल कर रहा, कांग्रेस पार्टी की गल कर रहा, उन्होंने राज समय की गल कर रहा, और उस समय चरणजीत सिंह चन्नी जी, राजा बड़िंग जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, ये सारे व्यक्ति कैप्टन साहब की कैबिनेट का शिंगार होंदे सीगे, कैप्टन साहब के सज्जे खब्बे बैठते सीगे। उस समय जो भ्रिष्टाचार का माफिया, जो पंजाब के अंदर शराब का माफिया, जो पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट का माफिया, जो पंजाब के अंदर रेप का माफिया चल रहा सीगा, उहदी ये अगवाई कर रहे होंदे सीगे। जिहड़े अज व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के प्रधान ने या सबका प्रधान ने जां हुणे हुणे कानून तोड़न के जुर्म के अंदरों किसी व्यक्ति ते अत्याचार करन के जुर्म वजों हुणे हुणे जेल कट के सिद्धू साहब ने गए। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब नूं चारे खाने उचित किया, पंजाब नूं बर्बाद करन दे विच कोई भी कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं छड्डी। मैं बड़े दावे दे नाल कहना गा, मैं बड़ी इमानदारी नाल गल कहना गा कि पंजाब दे अंदर साडी भूमिका की सी उस समय 2017 तो 22 तक असीं आपोजिशन दे सीगे। आम आदमी पार्टी ने आपोजिशन की भूमिका निभाई, असीं पंजाब दे थां थां ते जाके पंजाब दे लोकां दे दुखां दर्दां दे हामी बने, पंजाब दे अंदर जो माफिया राज कांग्रेस पार्टी ने चलाया सीगा उहनूं एक्सपोज करदे रहे, लोकां जाके दसदे रहे कि हाँ जी इत्थे शराब दा माफिया चल रहा। सारा पंजाब गवाह गा कि जदों पंजाब दे अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार सी तां लगभग 128 मौत जहरीली शराब पीण करके पंजाब दे अंदर होईयां, और जिन्हां लोकां ते
ये दोष लगे जिन्हां लोकां दा इस ना आया कि लोग माफिया चला रहे। कौन सी हो? वो कांग्रेस पार्टी दे एमएलए सी, वो कांग्रेस पार्टी दे मंत्री सीगे, वो कांग्रेस पार्टी दे लोग सीगे, उन्हां ते दोष लगे। आज सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जेल चो निकलण तो बाद सजा कट के आने तो बाद कानून तोड़न सजा कट के आने तो बाद कित्थे जांदे नेगे? जाके उन्हां जिहड़े शराब माफिया जिहड़े चला रहे सीगे, जिन्हां दे कारण 128 तो वध मौतां पंजाब दे अंदर होईआं, जिन्हां दे कारण 128 मजदूर किसान आम लोग जिहड़े मारे गए उन्हां दे घरां जांदे नेगे? जाके उन्हां भ्रिष्टाचारी नूं जाके सब तो पहला मिलदे नेगे? अज उह कह रहे नेगे कि आम आदमी पार्टी नॉन परफॉर्मिंग आ। आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो बाद सरदार भगवंत सिंह मान जी का, मानयोग मुख्यमंत्री साहब का पहला हरा पेन पहली बार दस्तखत किसने किए? पहली बार जो नौकरी का इश्तहार पंजाब दे विच साढ़े पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियों लिए इश्तहार जारी होया, और अज लगभग 28,000 तो उपर 28,000 तो उपर की होया अज नियुक्ति पत्र पंजाब के अंदर साढ़े नौजवान मुंडे कुड़ियों के लिए जारी हो चुके ने। वो अज वख वख डिपार्टमेंटा के अंदर बैठ के नौकरी कर रहे हैं और अपना जिहड़ा हैगा परिवार चला रहे हैं गे। सो इस तो बिना साडा वड्डा वादा सीगा पंजाब दे अंदर, तुसी सारे ने नोट किया होगा और तुसी सारे गवाह गए उस गल दे, तुसी सारे सबूत हो उस गल दे कि असी वादा किया सीगा, तुहाडे कैमरे अगे ही वादा किया सीगा, और जो वादा तुहाडे घरां दे अंदर पूरा होयागा, जिहड़ा वादा तुहाडे कैमरे दे सामने मानयोग साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, साडे पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया कि 300 यूनिट प्रति महीना हरेक घर की बिजली का बिल माफ होगा, ये वादा सी तुहाडे कैमरे के सामने होया सी, चंडीगढ़ च होया सीगा, और वो वादा असी पूरा किया 1 जुलाई तो लैके वो वादा बिल्कुल लागू आ, और तुहाडा सारिआं दा तुहाडा ज़्यादातर घरां दा बिजली का बिल जीरो क्यों आ रहा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो वादा पूरा किया। इन्हां नूं पता नहीं लगता क्योंकि जिन्ने भी कांग्रसी ने जिन्ने भी बोल रहे सीगे उन्हां नूं पता कैसे लगता? क्योंकि भाई उन्हां दा 25-25-30 एसी चलते ने गे, उन्हां दे घर तां महलां वर्गे ने गे, वो कोई एक दो तीन कमरिआं दा घर नहीं हैगा उन्हां दा, कोई जिस तरह आम लोगों का जिहड़े मिडल फैमिली ने लोअर मिडल फैमिली ने उस तरह के घर नहीं है उन्होंने, उन्होंने घर तक कई कई मंजलों पाए हुए हैं, कई कई किलिया फैले हुए हैं, उत्थे तो मतलब कि बिजली बिल कि आता होगा, उत्थे तो 300 यूनिट नहीं फुकते उन्होंने घर, उन्होंने घर 10,000 यूनिट फुकता होगा, 5,000 यूनिट फुकता होगा, इस करके उन्होंने पता नहीं लग्या है कि वादा पूरा हो गया ज नहीं हो गया, ये तो पता है।